इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। बरसठी जौनपुर चिल्लाए जनता रो रही महिलाएं, रविंद्रनाथ पाटा के अपहरण का दर्द भरा 31वां दिन। बरसठी मछली शहर विधानसभा के बरसठी थाना के अंतर्गत 29 अक्टूबर की रात 1:10 पर अपहरण हुए रविंद्रनाथ पाठक के अपहरण का आज 31वां दिन है, लेकिन अभी कोई सुराग नहीं मिला। जबकि जज सिंह अन्ना के आमरण अनशन से पुलिस टीम, सर्विलांस टीम, एसओजी टीम और अंतिम समय में स्वाट टीम का गठन किया गया। इतने दिनों में गोपालपुर गांव में मायूसी, रोना पीटना, अफसोस एक दूसरे से पूछताछ चल रहा है। क्षेत्र के हर गली, चाय की दुकान, गांव-गांव में अपहरण का हलचल है। वहीं पुलिस कुछ लोगों को उठा भी रही है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष पर पुलिस नहीं पहुंच पाई और क्षेत्र की जनता कह रही है कि आप सब योगी सरकार की असफलता की देन है, क्योंकि मामले को थाना अध्यक्ष बरसठी द्वारा अगर विलंबित न किया जाए तो ये मामला खुल भी सकता था। पुलिस प्रयास जारी है, सब निरर्थक साबित हो रहा है। योगी सरकार जवाब दे। मंत्री बृजेश पाठक, पीएमओ इंडिया एम योगी आदित्यनाथ, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा सेक्रेटरी, न्यूज आज तक टीवी चैनल, डीजीपी यूपी, आईजी रेंज वाराणसी को 31वें दिन भी ट्वीट के माध्यम से इसकी सूचना दी गई। जनता ने कहा, हम जन आंदोलन तेज करेंगे। पत्रकार शादा अंसारी, ब्यूरो चीफ जौनपुर मड़ियाहू, इंडियन टीवी न्यूज से। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।